बागपत में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक घटनाएं पुलिस को चुनौती दे रही हैं। एक बार बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां थाना बिनोली क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने 5 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही डकैती का विरोध करने पर घर में मौजूद बुजुर्ग महिला की बेहरे में से हत्या कर दी। डकैती और हत्या की वारदात के बाद मिली सूचना पर SP बागपत समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल महिला के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दरअसल हत्या और डकैती की ये सनसनीखेज वारदात थाना बिनोली क्षेत्र के घनोरा सिल्वर नगर की है, जहां सोनपाल नाम के एक बुजुर्ग किसान के घर में देर रात बदमाशों ने धावा बोलकर 5 लाख से ज्यादा की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने विरोध करने पर सोहनपाल की पत्नी महावीरी की भी हत्या कर दी। बदमाश घर में रखे 3 लाख रुपए कैश के साथ लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवरात भी लूट कर ले गए। परिजनों की माने तो वो घर में सोए हुए थे, जबकि बुजुर्ग महिला महावीरी घर पर थी और जैसे ही परिजन सुबह के वक्त घर पहुंचे तो चारपाई पर महावीरी का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने इसकी शिकायत तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद खुद SP बागपत शैलेश पांडे समेत ASP, CO और कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। घटना बड़ी थी, इसलिए मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, साक्ष्य जुटाने में जुट गई। वहीं पुलिस अधिकारी की माने तो फिलहाल किसी पर शक अभी नहीं जताया गया है, लेकिन फिर भी महिला का शव कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जल्दी खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। बागपत से रूपकंवर गहलावत की रिपोर्ट। मेरी पत्नी की हत्या हुई है, महावीरी की। लूट ये बता रहा 1.5 लाख रुपए अपने ये लड़का उस कमरे में से निकले और 3.5 लाख रुपए मेरे, 5 लाख रुपए के करीब पैसा गया। कैसे हत्या हुई और उनके जो हत्या के बाद लूटपाट भी उनके साथ? नहीं, वो तो मारी हुई पाई है। मैं जब घेर में से आया मुझे तो मरी हुई मिली। उनके जो आभूषण थे वो भी उतार के लेके मारने के बाद? हाँ, वे भी ले गए। और जेवर था जो इस सूटकेस में, वो भी लेके गए। तकरीबन कितना हुआ? 5 लाख तो नगदी हुई, तकरीबन कितने की हुई? वो 3.5 तोले का एक था, 2 तोले का एक था और कानू के थे और पैरू के थे। उनके वजन का मुझे पता नहीं कितना वजन था। अब इतनी बात पुरानी कुछ आया, उसके घर का भी था और हमारे का भी। क्या लगता है लूट का विरोध करने पे हत्या हुई? ये नहीं कह सकते हम कैसे हत्या हुई। तो कब हत्या हुई, किसकी हत्या हुई? ये थाना बिनौली क्षेत्र में घनौरा सिल्वर नगर गाँव है। यहाँ अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली कि एक महिला जो है, जिनका नाम महावीरी है, और वो नीचे सोई हुई थी मकान में, उनकी डेड बॉडी वहाँ मिली है। साथ ही साथ जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि यहाँ पे अलमारी भी टूटी हुई थी और उसमें से सामान गायब है। संभवतः घटना देर रात की हुई है और देर रात अर्ली मॉर्निंग की हुई है, जिसमें तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभी इसमें किसी पे इनको शक नहीं है। अभियोग पंजीकृत करके घटना का नावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। पैसे लूट की बात भी सामने आ रही है, 3-4 लाख रुपए रखे थे वो भी लूट लिए गए। अब ये बात सारी जो ये चेक करके बता रहे हैं कि कितने पैसे और गहने इस घटना में गए हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और जल्द ही घटना का नावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।